वेलकम 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 आंटी लोग, मम्मी लोग, भाइयों बहनों, जो भी 20-25 लोग देख रहे हैं, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, मेरी माँ ने आज बनाई है ब्राउनी से चॉकलेट फ्रॉस्टिंग और हम आप सबके साथ रेसिपी शेयर करेंगे, तो देखते रहिए। तो दीदी पहले तो ये इंग्रेडिएंट्स नोट कर लो, अगर घर पे नहीं है तो मास्क पहन के मार्केट से ले आओ, फिर आगे का वीडियो देखना। अब यहाँ हमने ट्रे के ऊपर बटर पेपर या फिर पार्चमेंट पेपर का इस्तेमाल किया है, अगर आपके पास नहीं है तो चलता है। अब आप जो नमक से अवन बनाएंगे उसको 5 मिनट तक प्री हीट कर देना है, उससे ज़्यादा मत कर लेना। अब ब्राउनीज बनाते हैं। एक बोल में पानी उबाल लीजिए और उसके ऊपर एक और बोल रख दीजिए। अब इस बोल में हम डालेंगे 125 ग्राम डार्क कंपाउंड, 60 ग्राम बटर और ये दोनों अच्छे से पिघल जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधे कप का भी आधा, यानी कि 1/4 कप दूध, और बाकी का दूध जो है हम बचा के रखेंगे। आप अपने हिसाब से दूध डालिए, अच्छे से बैटर बन जाना चाहिए। ये देखिए, एक बार बैटर बन जाए इसके बाद हम उसमें मिलाना शुरू करेंगे 3/4 कप यानी कि 100 ग्राम मैदा, ऑलमोस्ट आधा कप यानी कि 80 ग्राम पाउडर्ड शुगर, पिसी हुई चीनी, उसके बाद 1/4 कप कोको पाउडर, आधा टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और उससे भी आधा बेकिंग सोडा। अच्छे से छान लीजिए। ये देखिए हो गया, इसको मिला लीजिए। मेरी मम्मी फास्ट फॉरवर्ड में मिलाएगी, शांति से आप मिलाइए, बाहर मत गिराइए, गंदा मत कीजिए, शांति से ही लाइए। अब हमने जो वो दूध बचा के रखा था वो भी ऑलमोस्ट पूरा हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके डाल देंगे। पहले थोड़ा डालिए और इसको हिलाइए, अच्छे से मिला लीजिए, और एक बार ये अच्छे से मिल जाए उसके बाद हम थोड़ा और दूध मिला लेंगे। ऑलमोस्ट आधा कप दूध इसमें चला जाएगा, बस थोड़ा सा बचा लेंगे हम। आप अपने हिसाब से दूध डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे अखरोट यानी कि वॉलनट्स, हाँ उसको मिला लेते हैं। एक बार ये अच्छे से मिल जाए इसके बाद हम इसको अपने ओवन में बेक करने के लिए डाल देंगे। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है, मन कर रहा है कि कच्चा ही खा जाए, लेकिन कच्चा मत खाइए। आप भी बनाइए और रेसिपी को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके बच्चों की उम्र लंबी हो जाएगी। अब इसको हम ढक्कन से ढक देंगे और ढक्कन को ढकते वक्त देखिए मेरा चेहरा गलती से इसमें दिख रहा है, तो मैं हैं। चलिए अब फ्रॉस्टिंग बनाना शुरू करते हैं। तो 1 स्पूनफुल ऑफ घी और उसके अंदर 1/2 कप मैदा, और अब इसको ब्राउन होने तक भून लीजिए। एक बार अच्छे से ये ब्राउन हो जाए, उसके बाद अच्छे से ब्राउन हो जाने दीजिए, उसके बाद हम उसमें डाल देंगे 1/3 कप पिसी हुई चीनी, पाउडर्ड शुगर, इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। एक बार ये मिल जाए उसके बाद हम इसमें 2 बड़े कप दूध मिला लेंगे। ये पहला कप हो गया, इसमें हम डालेंगे 2 कप। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर, हाँ एक बार डाल देने के बाद इसको अच्छे से मिला लीजिए। और अब इसमें 10 या 20 रुपए वाली मिल्क चॉकलेट डाल दीजिए, हमने डेरी मिल्क डाली है, आप कोई भी डाल सकते हैं। एक बार ये मिल जाए उसके बाद आप अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए और ये आपकी फ्रॉस्टिंग तैयार हो गई। देखिए इसको 10-15 मिनट लगते हैं, तो आप अच्छे से बनाइए और मिक्स करते रहिए। देखिए अब हमारी पाइपिंग बैग में हम इस फ्रॉस्टिंग को भर देंगे। हमने ये फ्लावर वाला नोजल यूज़ किया है, तो इस तरह से एक ग्लास में उल्टा डाल दीजिए और इसमें आपकी फ्रॉस्टिंग जो आपने बनाई है उसको भर दीजिए। देखिए ब्राउनी को हमने गैस पर से ओवन पर से उतार लिया है, कितनी सुंदर लग रही है। मेरी माता जी इसको काट रही है, अगर आपको नहीं काटना मत काटिए, सीधा उठा के खा जाइए, लेकिन काटेंगे तो अच्छा लगेगा, तो ऐसे अच्छे से काट लीजिए और इसके ऊपर हम अपनी फ्रॉस्टिंग से सजाएंगे। देखिए हमने ये 2 पीस एक सुंदर सी प्लेट में ले लिए और अब मेरी माँ स्लो मोशन में इसके ऊपर गोल गोल फूल बनाएगी, कितना सुंदर लग रहा है, वाह। आप भी बनाइए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि ये रेसिपी कैसी लगी, गोल 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 गोल, हाँ देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब इसके ऊपर सिल्वर स्प्रिंकल, हाँ बहुत अच्छी फोटो आएगी, हाँ देखिए थंबनेल मिल चुका है हमें, कितना सुंदर लग रहा है, वाह सुंदर अद्भुत। अब बाकी की बची हुई ब्राउनीज के ऊपर भी हम सजावट कर देंगे,
अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना।